हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू मास्क रिएक्शंस। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल डूइंग वेली। वीडियो रिएक्शन करने वाली हूँ तने की वीडियो पर, जो के इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के फाइनल के बाद इंडिया के जीतने के बाद वाली वीडियो है। सो लेट्स सी और देखते हैं कि तने की खुशियाँ कैसी थी और कैसा ये वीडियो है पूरा। सो सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो, एंड यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें और 50K सब्सक्राइबर्स तक जल्दी जल्दी से पहुंचा दें। एंड कीप सपोर्टिंग मी, एंड इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यहाँ पर आप इंस्टाग्राम पर जाकर भी मुझे वीडियोज़ वगैरह भेज सकते हैं और सजेस्ट कर सकते हैं। सो लेट्स प्ले दिस वन। लेकिन मैं आपको एक प्रॉमिस करना चाहता हूँ कि रोहित शर्मा की कप्तानी में 2024 में बारबाडोस में हम जरूर भारत का झंडा गाड़ेंगे। अरे भाई, भाई ने प्रॉमिस किया झंडा गाड़ने का, तो गाड़ने का ना बिडू। हाँ, ये सीन मैंने देखा था झंडे वाला। लिटरली झंडा गाड़ दिया भाई बारबाडोस में, एकदम झंडा रेडी रखा था कि आज तो जीत के इसे यहीं गाड़ेंगे। ट्रॉफी उठाने के टाइम पे वो रोहित शर्मा का डांस, ये वाला, ओहो। रोहित भाई स्टेज पर जाने से पहले किसी से पूछ रहे थे कि भाई साहब कौन सा स्टेप करूं, तो हमारे कुल्लू द डांसर भाई ने बोला भाई साहब ये वाला कर देना। और उसके बाद तो हमारे रोहित माइकल जैक्सन शर्मा यू करते हुए ट्रॉफी लेने गए हैं। भाई मेरे को कोई रोक लो, आज मेरी एनर्जी इतनी ज्यादा निकल रही है ना, मेरे खून से तुम रेडबुल बना सकते हो। जय शाह भाई भी ऐसे दौड़ते हुए आए, मानो बोल रहे हो ये मेरा गाँव है और मैं इस गाँव का जयकांत शिखरे। गाँव मेरा है, वादा तो उन्होंने किया था ना। व्हाट अ मोमेंट भाई, ऐसे इमोशंस निकले हम इसको वर्ड में डिस्क्राइब ही नहीं कर सकते भाई। 27 रन्स चाहिए थे अफ्रीका को 28 बॉलों में। हजार में से एक मैच ऐसा होता डिफेंड हो जाए अगर अपोजिशन के पास इतने बैट्समैन बचे हो। एक टाइम पर हमारा विनिंग परसेंटेज भी 3% पर आ गया था, पर अचानक क्या मैजिक हुआ, मिरेकल हुआ। ऐसा लग रहा था ये वर्ल्ड कप इंडियन टीम के लिए बना, इसलिए ऐसा होता जा रहा है। लेकिन परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है, ये बॉलिंग इंडिया की बहुत अच्छी थी यार। भाई रोहित भाई जैसे इंडिया वर्ल्ड कप जीता, इतनी जोर जोर से ग्राउंड में हाथ मारने लगे थे, दिख रहा था कितना इंपॉर्टेंट मोमेंट था उनके लिए। हार्दिक भाई गले लग रहे हैं रोते हुए, उधर कोहली भाई रो रहे हैं, फैंस इमोशनल हुए पड़े हैं बुरी तरीके से। इधर राहुल द्रविड़ को कब लास्ट टाइम हमने ऐसे सेलिब्रेट करते हुए देखा। और लास्टली मोस्ट इम्पोर्टेंट, रोहित भाई का हार्दिक भाई को पप्पी करना। अंबानी जी भी देख रहे थे कि चलो सब कुशल मंगल तरीके से हो गया वर्ल्ड कप के चक्कर में, अब इसको वन फैमिली बुला सकते हैं हम। रोहित ये अच्छा किया वेंचर, तूने हार्दिक को पप्पी देके, अपना ही भाई है यार। हाँ यार भाई तो है अपना, पर एक सेकंड वेंचर, मैंने पप्पी कब ली उसकी? अरे वो मैच जीत के इमोशनल हो गया था, तूने ही तो गाल पे पप्पी दी ना उसको, याद नहीं है उनको। और तुम लोगों ने रोका नहीं, रितिका कहाँ थी, उसने क्यों नहीं रोका? अच्छा इसीलिए मुझसे कल मुंह चढ़ाए बैठी हुई है कल से। अबे पेंचो ऐसी चीजें तो मत भूल जाया कर, तूने कभी देखा है अनुष्का शर्मा ग्राउंड में आई हो और मैं सूर्य कुमार यादव को पप्पी दे रहा हूँ? सौरभ गांगुली ने भी मैच से पहले ही बोला था ना, रोहित शर्मा बारबाडोस के किसी ओशियन में कूद जाएगा अगर दूसरी बार वर्ल्ड कप फाइनल हार गए तो। अरे दादा आप रोहित भाई की बात कर रहे हो, मेरे खुद के यही प्लान्स थे, बारबाडोस की टिकट बुक थी, बस एक अच्छा सा ओशियन देख के डुबकी मार देनी थी। अरे भाई हम मैच हारे कब, 30 बॉल पे 30 रन चाहिए थे, हम शैंपेन लेने गए, लेके जब वापस आए तो इंडियन प्लेयर रो रहे थे, हमने बोला कोई बात नहीं हार जीत चलती रहती है, इट्स अ गेम। कहने लगे अबे लोलू आदमी तेरा नेक्स्ट, हम तो जीत गए। वो जब लगान मूवी वाली दीदी को मैंने देखा ना स्टेडियम में आई हुई है, अच्छा। तब से मेरा कॉन्फिडेंस जाग गया कि नहीं जीतेगी तो इंडिया ही। हार्दिक भाई का परफॉर्मेंस तो निकलना ही था इनको देख के, हार्दिक बॉय। जब मैच शुरू होने वाला था तो सूर्या भाई से पूछा कि क्या आपको प्रेशर फील हो रहा है, सूर्या भाई ने बोला बिल्कुल प्रेशर फील हो रहा है, पर नो प्रेशर नो फन। आइए सचिव जी बैठिए, अब परेशान मत होइए, बैठिए। वो तो अच्छा हुआ सूर्या भाई वो कैच आ गया, अब हम कह सकते हैं कि पूरी टीम ने कंट्रीब्यूट किया है। ऋषभ पंत का भाई जब थर्ड एम्पायर कैच चेक कर रहा था कि ग्राउंड से तो बॉल नहीं लगी है, हमारी बिचारी ऑडियंस गणपति बप्पा मोरिया गणपति बप्पा मोरिया प्रे कर रही थी, जोर जोर से चैंटिंग चल रही थी। गणपति बप्पा ने भी बोल दिया यार इस आदमी को कितनी बार बचाऊं मैं अब। एक तो हमारे विकेट्स जाते ही जा रहे थे मैच शुरू होते ही, और ऊपर से सिद्धू पाजी की कमेंट्री, रात जितनी अंधेरी होती है सवेरा उतना उजाला देता है गुरु ठोको। अरे कपिल पाजी वो अर्चना पूरन सिंह को इधर दे जाओ, इनको ले जाओ यार वो फिर भी ठीक है। तुम लोग बोल रहे थे ना भाई लाइव आ जाओ तुरंत मैच के बाद, तना भाई रोते ही रहते लाइव में, पूरे बोलते कुछ नहीं, बस रोहित भाई कोहली भाई द्रविड़ भाई करके रोना ही आता रहता। मेरा तो मन था भाई कि कल हम लोग एक मीटअप करें रात में 12 बजे, सभी भाई लोग सब्सक्राइबर लोग एक ही जगह पर मिले और चक्कर जाम। सेलिब्रेशन
सब लोगों ने ऐसे ऐसे आ रहे थे बाहर निकल के रात को एकदम कस के गले लगने का मन कर रहा है। एक वीडियो में और प्लान कर रहा हूँ यार इसी बात पे कि कुछ अच्छा सा वीडियो बनाए, क्योंकि अभी तो बस डाइजेस्ट होना स्टार्ट हुआ है कि हम लोग फाइनली जीत गए भाई 1 मिलियन सब्सक्राइबर कर दो कमीनो। मुझे लगा था वर्ल्ड कप में हो जाएंगे, हुए ही नहीं। अगर वर्ल्ड कप की ट्रॉफी के साथ साथ एक गोल्ड प्ले बटन भी आ जाएगा तुम्हारा क्या जाएगा। तुम चाहो तो आज की आज हो सकते हैं सब्सक्राइबर कंप्लीट, फटाफट सब्सक्राइब का बटन दबाओ और बेल आइकन प्रेस कर लो। क्या जवाब दूं इसका मैं भाई? भाई साहब ये सब खुशी का माहौल बनी रहा था रोहित शर्मा का, ये तो मीम बन जाएगा। पोस्ट मैच इंटरव्यू में कोहली भाई ने अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया और थोड़ी देर बाद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहित शर्मा ने भी ना जाओ। इन दोनों के बिना तो ऐसा लगेगा भाई इंडिया की बी टीम खेल रही है जिनको श्रीलंका टूर पे भेजा जाता था। भाई परफॉर्मेंस से हट के कोहली और रोहित भाई जो माहौल बनाते थे ना उसका कंपैरिजन ही नहीं है। ये सब इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गया यार? Exactly, ये बहुत जल्दी टाइम लग रहा है विराट कोहली और ग्राउंड पे इनका प्रेजेंस ही काफी रहता था। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू हमारे रिमेनिंग बाकी के प्लेयर्स भाई, पर इन दोनों का ऑरा ही अलग था यार, इनके जैसा एंटरटेनमेंट देना ही पॉसिबल नहीं है। हाय हाय इतना सुकून। ओके सो मीम्स आई हैव। ऋषभ पंत बैटिंग में आते ही ऋषभ भाई पता है फियरलेस क्रिकेट की उम्मीद करती टीम आपसे, पर ऐसे आते ही यार कम से कम बॉल से तो खेल लिया करो, एक दो बॉल पहले स्टंप से कभी बैट फेंक देते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू टीम के लौड़े लगे हुए हैं और तेरी शायरी खत्म नहीं हो रही। कल सिद्धू पाजी को ज्यादा गालियां पड़ जाती अगर टीम हार जाती तो, क्योंकि इनका वही चल रहा था रात के बाद ही तो सवेरा होता है, रात के बाद ही तो सवेरा होता। अरे भाई साहब विकेट जाए जा रहे हैं हमारे, ऑस्ट्रेलिया से बदला इंग्लैंड से बदला डन, साउथ अफ्रीका से पुराना कुछ पंगा है क्या, गांधी जी को ट्रेन से फेंक दिया था, मतलब ये तुमको पंगे ढूंढना जरूरी है ताकि आग लगा लगा के हम लोग बदला क्रिएट कर सकें। ऋषभ पंत सर बिलीव मी सर इंडिया वुड हैव स्कोर्ड 300 इफ आई हैड प्लेड द फाइनल। ये ऋषभ पंत ने आपकी अदालत में बोला था अगर मैं खेलता ना फाइनल वो ऑस्ट्रेलिया वाला तो 300 रन बना था। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका फैंस, हमारी टीम ने 13 साल से वर्ल्ड कप नहीं जीता, साउथ अफ्रीकन फैंस हमारी टीम ने तो कभी नहीं जीता, फिर भी भाई साउथ अफ्रीका ने कुर्बानी दे दी हम लोगों के 13 साल के लिए। विश्वास कर भाई हम दोनों मुश्किल में कभी धोखा नहीं देंगे, वो तो सूर्या भाई ने कैच पकड़ के इकलौते पंत भाई को खड़ा कर दिया, क्या इसको बोलो भाई जो विराट कोहली इन द वर्ल्ड कप फाइनल, जब समय आएगा तब सबसे बड़ा परफॉर्मेंस हम ही देंगे। चीकू भैया इंडिया साउथ अफ्रीका है, हेलो तुमसे ज्यादा गरीब हम है भाई साहब, दोनों ने चोक करने की पूरी कोशिश करी पर साउथ अफ्रीका जीत गया। भगवान मेरे सारे बुरे कर्मों की सजा अब साउथ अफ्रीका को देना, भगवान भी लाइक ये कौन सा हिसाब हुआ बे, तुझे खिला तो लेता संजू लेकिन धोनी भाई नाराज हो जाएंगे दुबे को बाहर किया तो, संजू भाई की भी लाइफ डिफिकल्ट। अनुष्का शर्मा हाँ हट रही हूँ साइड में। ये तुम अब समझ ही जाओ क्या मीम होगा इसके आगे का। जसप्रीत बुमराह ओहो सेम एनर्जी, संजना भाभी हट जाओ हम मैं नहीं बोलूंगा भाई। अक्षर पटेल थैंक यू बापू, थैंक यू अक्षर भाई ने क्या इनिंग्स खेली भाई, वो अगर ओवर रेट हाँ, अक्षर पटेल काफी प्रोमिनेंट रहे हैं तो कल अक्षर भाई एकदम यहाँ बिठाती पब्लिक। रोहित शर्मा टू ऋषभ पंत आपकी अदालत में बहुत बोल रहा था क्या हुआ? बस निकल गया वहां। आई हैव सीन गॉड ही बॉल्स व्हेनेवर आस्क्ड एंड विंस मैचेस फॉर इंडिया। भाई इस मजाक से हट के सच में अगर सचिन पाजी को गॉड कहा जाता है ना बैटिंग का तो बुमराह बॉलिंग का कह सकते हैं बुमराह को बहुत इजीली, क्योंकि मेरे को नहीं लगता आज तक इंडिया की हिस्ट्री में इतना बढ़िया बॉलर आया होगा। अब नेक्स्ट आईसीसी ट्रॉफी डरते हैं यार बुमराह की बॉलिंग में आएगी। सालों के तरह हरामी हो वैसे तो यार रोहित भाई और कोहली भाई के बिना सच में भी ये हो सकता है कि अब सीधे 10 साल बाद ही आए। हाउ आई स्लीप्स नोइंग दैट इंडिया वॉन द वर्ल्ड कप, पर भाई कल इसका उल्टा हो गया था, नींद नहीं आई यार इतनी ज्यादा खुशी थी, इतनी खुशी से भी नींद नहीं आई। हां लोगों को रोहित शर्मा लुकिंग एट केशव महाराज, लेकिन मैंने ट्रॉफी के साथ सब क्रिकेटर्स की नींद से उठने वाली फोटोज देखी हैं, गुड मॉर्निंग फोटोज एंडेड। भाई साहब कल जब वर्ल्ड कप जीते तो पहले तो कोहली भाई ने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया था वो तो फिर भी एक्सपेक्टेड था, फिर थोड़े देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ वहां पे रोहित भाई बोलते ये मेरा भी लास्ट है भाई, अब जडेजा ने भी बोली उनका भी लास्ट था, दोनों का जाना भाई साहब थोड़ा रुक जाते यार, मतलब बाद में जिम्बाब्वे वाली सीरीज में बोल देते कि हमको नहीं खेलना
मतलब ऐसे झटके मत दो यार साथ में। वॉचिंग फर्स्ट ओवर, वॉचिंग सेकेंड ओवर, फर्स्ट ओवर, भाई हमारे 8 बॉलों में शुरू के 23 रन थे, उसके बाद लगातार 2 विकेट चले गए, पता नहीं कहां से कहां पहुंच गया मैच। इतनी खुशी, इतनी खुशी, हार्दिक भाई की लाइफ सेट हो गई है भाई। जय शाह भाई, द लॉर्ड जय शाह भाई। हार्दिक पांड्या ने बहुत अच्छी बॉलिंग की यार, मानना पड़ेगा। इसी मंद ना मैं सेंचुरी मारूंगी बहन, शेफाली वर्मा तो मैं डबल सेंचुरी मारूंगी, सूर्या मैं 3 रन बनाऊंगा, ऋषभ तो मैं 0 लिख ले, लड़कों की लाइफ अलग चल रही है भाई। खैर यार आज की वीडियो के लिए ओके सो अच्छी वीडियो थी, लेट्स सी कि आगे वाकई में 3 प्लेयर्स इकट्ठे रिटायर होंगे, तीनों बड़े अच्छे थे। और हार्दिक पांड्या की भी तो त्रिब की जाए कम में, और सूर्य कुमार यादव के उस कैच की लास्ट में, बाकी मैच बहुत बुरा तरह से फंस गया था इंडिया के लिए, और तब तो लगना शुरू हो गया था कि साउथ अफ्रीका ले गया मैच, लेकिन वही सब ने दुआई की और बुमराह की बॉलिंग से डर के सब उनसे, मतलब कोई शॉट ही नहीं लगी साउथ अफ्रीका से, कोई बड़ी शॉट लगी नहीं, छक्का चौका लगा ही नहीं, एक ही चौका लगा था शायद, जिसकी वजह से जो है ना काम सारा साउथ अफ्रीका ने खराब कर लिया अपने लिए, और इंडिया जीत गया, लोग इतने खुश हैं। सो वेल डिजर्व्ड, दोनों टीम्स ही डिजर्विंग थी, बट इंडिया आई थिंक वेल डिजर्व्ड, बहुत अच्छा परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं बहुत सालों से और हर वर्ल्ड कप में। सो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर करें, जल्दी जल्दी से सब्सक्राइबर कर दें, सिल्वर प्ले बटन तो मुझे भी चाहिए, जैसे गोल्डन प्ले बटन उसको चाहिए, सिल्वर मुझे भी चाहिए, तो जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब जरूर करें, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।